लेट्स डू दिस। आज हम कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड होंगे, और ये टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द एरिया इन द ईयर, कौन से साल में हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो डिस्कवर किया गया था? तो 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था। द सेकेंड क्वेश्चन इज, लोथल इज अ साइट वेयर डॉक यार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वेयर फाउंड। लोथल एक ऐसा साइट है जो एक डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड होता है बंदरगाह जहाँ पे शिप पार्क किए जाते हैं, एक साथ बहुत सारे शिप्स होते हैं, उसे बोलते हैं डॉक यार्ड। तो डॉक यार्ड, लोथल एक डॉक यार्ड साइट था, और ये साइट किस सिविलाइजेशन का था? क्वेश्चन पूछ रहा है ये साइट कौन से सिविलाइजेशन का था, तो मोस्टली मैंने पहले ही बोल दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन होंगे, तो इट्स अ हिंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका घर किन चीज़ों से बना होता था? बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। तो यहाँ पे पहला है हमारा पक्का ब्रिक्स, फिर स्टोन, वुड, ऑल ऑफ दीज। तो स्टोन और वुड, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग देखें तो हमें पता चलता है कि उनका एक टाउन प्लानिंग जो था वो एकदम सिटी के तरीके के मैनेज्ड था, बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था उनका। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर हाउसेज हुआ करते थे, बाथिंग सेंटर्स होते थे, बिग बाथ पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो ये सब इंडिकेट करता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था दैट वॉज अ वेरी वन सेकेंड वो एक बहुत अर्बन सिविलाइजेशन था। तो इसका करेक्ट आंसर है पक्का ब्रिक्स, उनके घर जो थे वो पक्का ब्रिक्स से बने होते थे। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, इंडस वैली के जो लोग थे वो किन से व्यापार करते थे? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, किन से व्यापार करते थे? चाइनीज से नहीं करते थे, वो लोग पार्थियन से नहीं करते थे, रोमान से नहीं करते थे। तो वो लोग मेसोपोटामियंस से इन लोग का व्यापार होता था, मतलब द ट्रेड विद मेसोपोटामियंस। ओके, द फाइव नंबर क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉन आर्यन बिकॉज, नॉन आर्यन है क्योंकि वो अर्बन सिविलाइजेशन है, वो आर्यन नहीं है बिकॉज इट्स एन अर्बन सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारे सेंटेंसेस करेक्ट है किसी एक को छोड़ के, तो हमें गलत वाला बेसिकली देखना है। हमारा जो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। मैंने अभी बताया कि हाँ उनके जो टाउन प्लानिंग थे, उनका जो रहने का तरीका था दैट वॉज वेरी सिविलाइज्ड, बहुत सभ्य था वो। तो आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आयरन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग आयरन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ था हम लोगों को। तो मतलब आयरन वॉज नोन टू दी पीपल, ये गलत सेंटेंस है। आयरन वॉज नोन टू दी पीपल, फाइन। तो इसका होगा आंसर भी आयरन वॉज नोन टू दी पीपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, द लोकल नेम ऑफ मोहन जोदड़ो इज, मोहनजोदड़ो का लोकल नेम मतलब मोहनजोदड़ो को और क्या बोलते हैं जो इसका लिटरल मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ, वो क्या है? तो उसको हम बोलते हैं माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड, आंसर सी माउंड ऑफ डेड। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्समैनशिप, ऑल ऑफ दीज। तो टाउन प्लानिंग तो उनका था ही बहुत अच्छा, आर्किटेक्चर हो गया कि घर का जो घर बिल्डिंग वगैरह का जो डिज़ाइन होता था दैट वाज आल्सो वेरी सिविलाइज्ड, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता था। और फिर क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट अगर हम इंडस वैली का जो चैप्टर्स है क्लासिक्स के बुक में है और या फिर कंपिटेटिव बुक में भी मिल जाएंगे देखिए, तो वहाँ उस टाइम क्राफ्ट जो थी पॉटरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाया गया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो तीनों में स्पेशलाइज था, ऑल ऑफ दिस। ओके फाइन, आते क्वेश्चन नंबर नाइन पे, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो वॉज मेड अप ऑफ। देखिए जो
एक डांसिंग गर्ल का फिगर पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये भी क्राफ्ट्समैनशिप का ही एग्जाम्पल है, जैसे अभी मैंने ऊपर दिखाया था। तो वो किस चीज़ का बना हुआ था? ब्रोंज का बना हुआ था। वो ब्रोंज का बना हुआ था, मतलब ब्रोंज से जानते हैं, ब्रोंज का बना हुआ था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सा एनिमल जो है वो नहीं, मतलब नहीं मिला था या नहीं था, या फिर नोन नहीं था, मतलब लोगों की नज़र में नहीं था? तो जिराफ इसका आंसर, क्योंकि बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट, ये सब का यूज़ भी करते थे वो लोग। बुल का होता था यूज़, मतलब लोडिंग वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एलिफेंट का जो हैवी गुड्स होते थे जैसे फॉरेस्ट के वुड वगैरह हो गए, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलिफेंट का यूज़ होता था। तो जिराफ इज द एनिमल विच वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइन, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।